यस स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। बेटा, सबसे पहले टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम थ्री पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर सकते हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेशन और कंपनीज। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने स्टडी किया ही है कि उसमें एक ही पर्सन होता है, वो ही बिजनेस स्टार्ट करता है और सारे प्रॉफिट्स वो खुद ही अर्न करता है। और पार्टनरशिप में मोर देन वन ओनर्स होते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं और प्रॉफिट्स और लॉसेस जो भी हैं वो आपस में डिवाइड करते हैं, शेयर करते हैं। और कंपनीज मार्केट में शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं और इनका बिजनेस कुछ लार्ज स्केल पे होता है। प्लस वन में आपने स्टडी किए थे अकाउंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप के, प्लस टू में हम स्टडी करेंगे पार्टनरशिप और कंपनीज के रिलेटेड अकाउंट्स। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। फर्स्ट चैप्टर में फंडाज हैं, पार्टनरशिप अकाउंट हमने कैसे प्रिपेयर करने, उसके बेसिक रूल्स हैं कि पार्टनर अपना प्रॉफिट किस वे में डिवाइड करते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैसा ट्रीटमेंट होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि पार्टनरशिप का मीनिंग एज पर सेक्शन फोर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस डेफिनेशन से बेटा हम फोर फीचर्स पार्टनरशिप के रिलेटेड देख सकते हैं। पहला है पर्सन्स, सेकेंड एग्रीड दैट मीन्स एग्रीमेंट, थर्ड इज बिजनेस एंड फोर्थ इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो फीचर्स बेटा, ये जो थ्योरी है ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे प्रैक्टिकल का बेस बनता है और प्लस वन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसमें से कवर हो जाते हैं। तो फीचर में सबसे पहले पर्सन्स, मिनिमम तो 2 पर्सन चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म रन करने के लिए और मैक्सिमम 50। और बेटा कीप इन माइंड कि ये जो 50 पार्टनर चाहिए ये प्रोविज़न बनाई है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। इस रूल में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो पार्टनर है वो 50 हो सकते हैं किसी भी फॉर्म में। और जो भी पर्सन पार्टनरशिप में एडमिट होंगे वो दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कुछ पर्सन ऐसे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली सेक्शन 11 में ये मेंशन है, माइनर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, जैसे जेल में जो बंद है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये पार्टनर ही बन सकते हैं, पर इसमें ये एक एक्सेप्शन है, माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं प्रॉफिट्स के लिए एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। अ माइनर कैन बी अ पार्टनर।